हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू ओर डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास थर्ड से यूनिट फोर का चैप्टर द बैलून मैन, गुब्बारे वाला। तो चलिए इसको देख लेते हैं। डज ए बैलून मैन विजिट योर मार्केट? लेट्स सी व्हाट दिस बैलून मैन ब्रिंग्स विद हिम। क्या आपके मार्केट में कोई बैलून वाला आता है, विजिट करता है? तो चलिए देख लेते हैं कि बैलून वाला अपने साथ क्या चीज़ें लाता है। द बैलून मैन, ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बैलून्स अ लवली बंच एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। यहाँ पर ये गर्ल पोएम में बता रही है कि ये गुब्बारे वाले के बारे में, कि जो गुब्बारे वाला है वो हमेशा मार्केट के डेज में ही आता है, जब मार्केट लगता है तब आता है और उसके हाथों में गुब्बारों का एक बंच होता है। बंच कहते हैं गुच्छा। उसने अपने हाथों में एक गुब्बारों का बंच पकड़ा होता है और वो मार्केट में कोने पर खड़ा रहता है। वो कभी भी अपने लंच के बारे में भी नहीं सोचता कि उसको लंच कब करना है। There are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between, you see them shining far away. गुब्बारों का कलर क्या क्या होता है? रेड होता है, पर्पल होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, और जब कभी सनी डे होता है, सनी डे यानी धूप वाला दिन, तो कार्ट्स जो होती है ना, जिस पर सामान जाता है, चाहे वो दो पहिए वाली हो, चाहे चार पहिए वाली हो, चाहे उनके टू व्हील्स हो या फिर फोर व्हील्स हो, उस पर लोग सामान लेकर जाते हैं और लोग जो हैं उसके बीच से निकलते रहते हैं और आप उनको दूर से ही चमकते हुए देख सकते हो। जब धूप वाला दिन होता है तो गुब्बारे वाला, जो गुब्बारे होते हैं वो दूर से ही चमक रहे होते हैं। देयर आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, and if there is a wind at all, they tug and tug like anything. उसमें से कुछ गुब्बारे जो होते हैं वो बड़े होते हैं और कुछ गुब्बारे जो होते हैं साइज में स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, और वो सारे एक साथ एक रस्सी से बंधे होते हैं। स्ट्रिंग कहते हैं, एक रोप या थ्रेड उसके साथ बंधे होते हैं, और अगर हवा चल रही हो तो सारे जो गुब्बारे होते हैं वो एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। टग मीन्स होता है पुल हार्ड, और एक दूसरे के साथ ये गुब्बारे जब हवा चलती है तो उलझ जाते हैं। समडे परहैप्स ही विल लेट देम गो एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम ब्लो, दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई। एक दिन शायद वो आदमी गुब्बारे वाला जो है उनको छोड़ देगा, उनको जाने देगा, और हम नीचे खड़े होकर उनको देखेंगे, उनको ऊपर आसमान में जो है तैरते हुए देखेंगे। वो बहुत ही प्यारे लगेंगे जब हम नीचे से उन गुब्बारों को देखेंगे आसमान में उड़ते हुए, तो वो बहुत ही प्यारे लगेंगे। यहाँ पर हैं कुछ न्यू वर्ड्स। बंच होता है, बंच माने गुच्छा, ए नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ सेम काइंड। स्क्वायर क्या होता है? एक कोना, एक मार्केट प्लेस में एक कोना। सनी क्या होता है? सनी होता है धूप, यानी धूप वाला दिन। टग क्या होता है? पुल हार्ड, एक दूसरे से उलझ जाना, जिसको खींचने में प्रॉब्लम हो। कि अभी हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को, और हाँ, इसकी वर्कशीट मैं अलग लेकर आऊँगी, आप उसको देखना बिल्कुल मत भूलना, उसको करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड? बैलून मैन स्टैंड एट द मार्केट स्क्वायर। बैलून मैन कहाँ खड़ा होता है? तो वो मार्केट स्क्वायर में खड़ा होता है। व्हाट हैपन टू द बैलून्स व्हेन देयर इज अ विंड? गुब्बारों के साथ क्या होता है जब हवा आती है? When there is a wind, the balloon tug a lot. जब हवा आती है तो जो गुब्बारे होते हैं वो आपस में उलझ जाते हैं। What does the child like to see the balloon man do? बच्चा क्या चाहता है कि balloon man क्या करेगा? The child likes to see the balloon man setting all the balloons free in the sky. He wants to see them sailing high in the sky. वो बच्ची चाहती है, बच्चा चाहता है कि जो गुब्बारे वाला है वो सारे गुब्बारों को एक दिन आसमान में छोड़ देगा और वो उनको ऊपर उड़ते हुए देखेगी, तैरते हुए। सेल कहते हैं तैरना, तैरते हुए उनको देखेगी। नाउ टॉक टाइम,
बात करते हैं हाउ हाई कैन बैलून्स फ्लाई, जो हवा में गुब्बारे हैं वो कैसे उड़ते हैं। तो बैलून जो होते हैं, बैलून्स कैन फ्लाई क्वाइट हाई अप इन द स्काई डिपेंडिंग अपॉन द गैस इन दैम। जो गुब्बारे होते हैं वो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर गैस फिल होती है। नेक्स्ट इज हेयर, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोयम, इस पोयम में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। द पोय द चाइल्ड इज विशिंग टू सी ऑल द बैलून्स सेलिंग इन द स्काई, आई लाइक दिस वेरी मच। जो बच्चा है वो ये चाहता है कि वो बैलून्स को आसमान में तैरते हुए देखे, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। वर्ड बिल्डिंग, यहाँ पर कुछ वर्ड जंबल्ड दिए गए हैं, उनको आपने करेक्ट करके लिखना है। फर्स्ट वर्ड इज़ हियर बैलून, बी ए एल एल ओ ओ एन बैलून। ये है लंच, एल यू एन सी एच लंच। दिस इज ब्लू, बी एल यू ई। नेक्स्ट इज हियर पीपल, पी ई ओ पी एल ई। दिस इज ब्लो, बी ई एल ओ डब्ल्यू। दिस इज कार्ट, सी ए आर टी कार्ट। पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन टू द फॉलोइंग ग्रुप्स। नेचर में आपको फिल करना है, तो नेचर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। विंड होता है, ग्रास होता है और स्काई होता है, तो इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। डब्ल्यू आई एन डी विंड, जी आर ए एस एस ग्रास एंड एस के वाई स्काई। तो आपको यहाँ लिख देना है इसको यहाँ से देखकर। और ऐसे ही फूड में देखेंगे तो फूड में क्या क्या आइटम्स आएंगी। टर्निप आएगा, पाइनएप्पल आएगा और राइस आएगा, इसको आप बी बॉक्स में लिख देंगे। ओके, और इसके अलावा नेक्स्ट दिया है कलर्स, तो कलर्स में कौन कौन से कलर होते हैं। पर्पल, वाइट, येलो एंड ग्रीन, ये आप लिख देंगे सी में। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। हाउ मैनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन द स्मेस, राइट देयर नेम्स ब्लो। यहाँ पर आपको पजल में देखना है, ग्रिड में देखना है कौन कौन से कलर्स के नेम दिए हैं, और उसको यहाँ पर स्पेस दिया है और वहाँ पर आप फिल कर देंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर दिया है ऑरेंज, आपको दिया हुआ है, इसके साथ ही दिया है पर्पल, यहाँ पर दिया है येलो, और यहाँ दिया है ब्लू, यहाँ दिया है वायलेट। तो इसको आप इस तरह से अपनी नोटबुक में जो है कर लेंगे। यहाँ पर दिया है ब्लैक और ये दिया है ब्राउन। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया है वाइट कलर, तो इसको आप जो स्पेस नीचे दिया गया है वहाँ पर कलर्स के नेम फिल कर देंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द बैलून्स विद देयर अपोजिट्स। यहाँ पर आपको उनके अपोजिट्स लिखने हैं बैलून्स में, जैसे कि नेवर का होता है ऑलवेज, स्मॉल का क्या होता है, स्मॉल का होता है बिग, एंड रेनी का क्या होता है सनी, लो का क्या होता है हाई, सिट का क्या होता है, सिट का होता है स्टैंड, एंड नियर का क्या होता है फार। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलेंगे इसकी वर्कशीट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।